हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का दिन था मेरे लिए बहुत ही स्पेशल, सबसे स्पेशल डे था, क्योंकि आज 28 जून है और बेबी आने वाले था मेरे ऑपरेशन के लिए। मतलब मैं कल रात से एडमिट हुई थी और ये सुबह हो गया था 28 का, मतलब 6 बजे था शायद। और मेरा मतलब वो जो सेलिन दिया गया था वो सब वो निकाल रहे थे और रेडी कर रहे थे ओटी को लेने के लिए, लेकिन मेरा टाइमिंग था 7:30 था ऑपरेशन टाइमिंग, सो इसीलिए मैं सोई हुई थी। और प्रियांशी, उसके पापा और दादी तब तक नहीं आए थे और मैं थोड़ा थोड़ा तो नर्वस हो रही थी उस दिन, मतलब कल। ये व्लॉग कल का है और मैं आज एडिट कर रही हूँ। आज थोड़ा मेरा तबीयत अच्छा लग रहा है, अभी फ्रेश लग रहा है, फ्रेश फ्रेश होके आ गई हूँ, तो सोची चलो ब्लॉग एडिट ही कर लेते हैं। जितना भी हो, जितना प्रियांशी शूट की है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रियांशी भी मेरा सी सेक्शन में हुई थी और वो 2012 में हुई थी, अभी 2023 हो गया है, अभी फिर सी सेक्शन मेरा होने वाला था क्या हुआ है, तो इसलिए प्रियांशी आ गई थी तब और मुझे ओटी में लिया जा रहा था। थोड़ा थोड़ा मैं नर्वस हो गई थी और प्रियांशी मुझे एक रात छोड़ के रखी थी। और मम्मी चले गए। अभी हम लोग बेबी के लिए डायपर खरीदने जा रहे हैं, पापा और मैं चल चल के। तब दादी नहीं आई है क्योंकि मम्मी को ले गए ना, इसलिए पापा को रहना पड़ा और उसके बाद आई डोंट नो क्या होने वाला। मम्मी का ऑपरेशन हो रहा तब मामा आएंगे शायद से। तो चला कि यहाँ का मेडिसिन स्टोर बंद है, ये पास में जो है, इसलिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भी नहीं था उन लोगों के पास, इसलिए हमें सेपरेट मेडिसिन स्टोर को जाना पड़ रहा था। बट वो मेडिसिन स्टोर में भी अभी बंद है। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? हमें बस डायपर चाहिए अयांश या फिर आर्या के लिए। फिलहाल मैं मम्मी के बेड में बैठी हूँ क्योंकि मैं पेशेंट हूँ और मम्मी कोई नहीं है यहाँ। मम्मी को खाली पेशेंट वाले कपड़े पहना दिया, बट एक्चुअल पेशेंट हूँ मैं। अच्छा, कुछ को सब ठीक हो जाएगा, खाना बेबी आ जाएगा। हैप्पी हो? तुम आ जा जाओगे? यस जस्ट नाउ पता, अभी बेबी आया है। ठीक है, उसके आने का टाइम था 9:36, अभी 9:49 हुआ है। मैं उसको देख कर आई, मैं फिर वापस रूम में चली गई क्योंकि आई नीड एसी। और बोलू बोल दो, इट्स अ बेबी ब्रदर। मुझे बहन चाहिए थी बट कोई बात नहीं, थैंक गॉड अच्छा है भाई आया। वो उसका गाल ना मैं देखी, पूरा लाल था। हम लोगों ने फोटो या फिर वीडियो नहीं लिया है, वो अगर आज रूम को आएगा तो फिर हम लोग लेंगे। अभी फिलहाल मम्मी का ऑपरेशन जारी है और या टाइप ऑफ हीटर में रखे थे क्योंकि मम्मी के बेली में ना वो पूरा ठंडा होके था, और अभी नहीं सॉरी, मम्मी के बेली में ना वो गर्मा गर्म होके था क्योंकि मम्मी का बॉडी टेम्परेचर, मैं साइंस में पढ़ी हूँ ठीक है, क्या था बॉडी टेम्परेचर, 20 था मुझे याद नहीं रहा वो शिट। अगर मेरी साइंस मैम ये ब्लॉग देख रही है तो आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई हूँ शायद से। एवरेज बॉडी टेम्परेचर इज 37, हाँ 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए उसको ना अभी एक हीटर करना है, उसमें रखा गया है बेबी को और मम्मी से अलग कर दिया है। एक अभी भी मुझे लाइक बिलीव करने लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मेरा एक फाइनली सिबलिंग है, बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, मतलब आई एम जस्ट सो हैप्पी। मैं आके 2 बार रो चुकी हूँ।
नहीं रोना चाहती हूँ मैं, स्टिल अगर आज भी घर चला जाता तो मैं ट्यूशन नहीं जाती, बट आज वो हॉस्पिटल में रहेंगे अराउंड इवनिंग तक मैं चली जाऊँगी, तो मुझे मेरे भाई से अलग रहना पड़ेगा। तो उसका नाम हम लोग रखने वाले हैं अयांश पुजारी, वी कैन कॉल हिम अयान एज वेल, अयान अच्छा नाम है। मेरी ना एक्चुअली नानी ने पूरी मंदिर में वो बांध दिया था, तो उसका नाम अयांश ही रखना पड़ेगा, आद्यांश आर्यांश अयांश शांश शांश है, पर कभी अन्वेषा श है, मेरा भी प्रियांशी श है, सबका श है, आद्यांश आर्यांश अयांश प्रियांशी अन्वेषा मतलब परी से नीचे गई थी, क्योंकि मेरा पैर ना एक जगह पे टिकता नहीं है, मैं बहुत घटिया बहुत बोर जल्दी हो जाती हूँ इसलिए। और मैं फिलहाल सोने वाली हूँ। ये हम लोग देख रहे हैं बावड़ा जात्रा का लाइव, और यहाँ है नानी, नानी और मैं सिर्फ रूम में हैं और कोई नहीं आया अभी तक, पापा और दादी दोनों नीचे हैं और मम्मी तो ओटी में है अभी भी शायद से, आई डोंट नो, और बेबी जो है वो मम्मी से दूर है मतलब एक और रूम में है। सो फाइनली प्रियांशी अपने बेबी ब्रदर से मिली, और वो बोली थी कि पहले ही मैं उसको पकड़ूंगी, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम वो उसको गोदी ले रही है, और मैं तो ओटी में थी और उसके नानी ने ये शूट किया है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में शूट करना इतना ज़्यादा अलाउ नहीं है, जितना हो सके उतना कर रहे हैं। और प्रियांशी का हैप्पीनेस देखिए कि उसको भाई मिला, एक्चुअल में वो सिस्टर चाहती थी लेकिन ब्रदर मिला, कुछ भी हो सिबलिंग तो आ गया उसका। एंड उसके बाद उसकी दादी भी पकड़े उसको फर्स्ट टाइम के लिए, वो भी उससे मिले फर्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि उस तब तक वो लोग मिले ही नहीं थे, और प्रियांशी उसकी दादी सब कोई हैप्पी। तो फाइनली मेरा प्यारा सा भाई आ चुका है, हेलो। इसको ना एक बेबी क्रिब जैसा दिया गया, इसको हिलाना, और ये रही मम्मी। आप सब ठीक तो? हाँ, ऑल हैप्पी, ऑल हैप्पी, ठीक है।